स्वागत है आपकी इस वीडियो में। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला पहली वीडियो का, और आप इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे तो ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी। ये एयरफोर्स, नेवी और एनडीए, साथ ही साथ कोस्ट गार्ड के लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप, मैं इसलिए जानबूझ कर के ये सीरीज़ मैं शाम के वक्त देता हूँ इस वीडियो को, करीब करीब 7 या 8 बजे के आसपास, ताकि आप आराम से सोते समय, दिन भर का सारा काम करने के बाद भी आप इस वीडियो को आराम से देखें, और सोते सोते आपको कम से कम 12-15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए बूस्टअप हो जाएगा, एक आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके माइंड में हो जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर उसी का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, कुफरी किस फसल की किस्म है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बता दें कि ये आलू की एक फसल है, एक, ठीक है, और इसको तैयार होने में लगभग 75 से लेकर के 85 दिन लगते हैं ना। ये आलू की एक प्रकार की किस्म है और इसे तैयार करने में लगभग 75 से लेकर के 85 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? देखिए, कर्मा इसी से मिलता जुलता है, गरबा आता है ना तो वो अलग चीज़ है, तो ये कर्मा है। तो कर्मा जो है हो जनजाति का एक नृत्य है, और ये जो हो जनजाति है ना, ये झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क से संबंधित क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा पूछता रहता है, तो ये यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लखीमपुर खीरी। अगला देखिए, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जिस ट्रिक से हम इसको याद किए हैं वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, और डेफिनेटली आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि देखिए, अब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए हो या कोस्ट गार्ड हो या एसएससी भी हो, दिन से एक क्वेश्चन जरूर आता है ना, दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछता है कि फलाने दिन कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से होगा, 7 अप्रैल को। देखिए, मुझे याद इस प्रकार से हुआ कि जब भी मैं इस चीज़ को जब मैं याद कर रहा था तो मैंने एक ट्रिक आजमाई थी, आप भी उस ट्रिक को आजमाइएगा। मैं क्या करता था ना कि जब भी मैं किसी हॉस्पिटल से गुजरता था, है ना, हॉस्पिटल से गुजरता था तो मुझे ये दिन क्लिक हो जाता था। हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मिलता है, स्वास्थ्य कहाँ मिलता है, हॉस्पिटल में मिलता है। तो हॉस्पिटल को देखते ही मैं अपने माइंड में एक बार दोहरा लेता था कि 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। या कि फिर अगर कोई एम्बुलेंस मेरे सामने से गुजरती थी, कभी मैं किसी एम्बुलेंस के देखता था अपने पढ़ाई के दौरान, जब मैं चीज़ें याद कर रहा था, तो जब भी कोई एम्बुलेंस सामने से अगर गुजरता था तो मुझे ये एक चीज़ याद आती थी कि एम्बुलेंस से जो व्यक्ति जा रहा है वो स्वस्थ के लिए जा रहा है, स्वस्थ होने के लिए जा रहा है। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो दिन भर में मैं ज़रूर जब भी बाहर निकलता था तो एक दो हॉस्पिटल या एक दो एम्बुलेंस देखता था, तो ये चीज़ मेरे माइंड में बार बार रिपीट होती रही, और आज के दिन का ये सिस्टम है कि मुझे याद हो गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ना, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखेंगे, आप भी इस ट्रिक को जोड़ सकते हैं, या कुछ और भी आपका ट्रिक है तो लगा सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबा हो सकती है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी सहूलियत हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर जो प्रथम व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रांग थे। अब देखिए, नील आर्मस्ट्रांग की खास बात एक जो थी वो ये थी कि ये लगभग 200 प्रकार के विमान उड़ा सकते थे। जी हाँ, 10, 20, 50 नहीं, 200 प्रकार के विमान ये उड़ा सकते थे, इतनी मतलब इनके अंदर काबिलियत थी, कैपेसिटी, क्षमता थी। और बात करें कि जब इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा तो वो जो डेट था वो 21 जुलाई था, 21 जुलाई, और सन था 1969, है ना, 1969 में इन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा, नील आर्मस्ट्रांग, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, है ना, जैसे बीच में पृथ्वी है तो इधर कौन है और इधर कौन है, तो दोनों ओर जो पृथ्वी के ग्रह हैं वह है मंगल और शुक्र, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र क्या हैं, दोनों तरफ हैं पृथ्वी के। अगला है कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपको पता होना चाहिए बृहस्पति है, लेकिन पूछ ले कि हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, बुध बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बृहस्पति। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है,
तो जो कृषि योग्य घेरने वाली फसल है वो है चावल। चावल ज़्यादातर जो फसल है वो कृषि का मतलब एरिया घेरता है ना, ऑप्शन नहीं होगा ये चावल। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए से होगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नोबल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे ना, नोबल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है ना। कई बार आप होता है कि जल्दबाजी में नहीं शब्द को छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि साहित्य में दिया जाता है, ये पूछा है सही हो जाएगा, है ना, तो गलत हो जाता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से होगा, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। बाकी किस किस के क्षेत्र में दिया जाता है सर? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, साथ ही साथ वो भौतिकी के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है, और वो रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और चिकित्सा विज्ञान के भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन, ठीक है, यह जो है कि एक पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रेन, किसने लिखी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सलमान रुश्दी। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये भी मुझे ऐसे ही याद है, और याद कैसे है, मैंने क्या किया था कि देखिए कुछ ऐसे राइटर हैं जिनकी पुस्तकें हैं, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अक्सर आपके एग्जाम में पूछा करता है ना, बार बार। तो आप क्या करेंगे कि जैसे सलमान रुश्दी हो गए, या तस्लीमा नसरीन हो गया, या अरुण धंती राय हो गया, ये जो कुछ लेखक हैं जैसे चेतन भगत हैं, तो इनकी जो किताबें हैं ना एग्ज़ाम में पूछती रहती हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप इम्पोर्टेंट लिस्ट, आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा अलग से कि कौन कौन सा बार बार रिपीट होता है पुस्तक और उनके लेखक के नाम। तो मैंने क्या किया था कि एक वाइट पेपर पर लिख करके करीब करीब 25-30 के आसपास थे, और मैं अपने रूम में चिपका दिया था। मैं जब भी सुबह ब्रश करता था या कुछ भी मैं करता था, तो उस दौरान मैं इस लिस्ट को एक बार देख लिया करता था, है ना। कुछ भी करते हैं, अपना खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप पढ़ाई के दौरान, तो आप इस लिस्ट को एक बार आप देख लेते हैं। तो ऐसे जब आप महीने भर इस एक ही लिस्ट को देखते रहते हैं ना, तो उसमें से ज़्यादातर तो याद हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इस आइडिया को आप अपना सकते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो सलमान रुश्दी वाला ऑप्शन सही है, मिडनाइट चिल्ड्रेन को किसने लिखा है, सलमान रुश्दी। एक और इसमें लेखिका आपको दिख रही होंगी, तस्लीमा नसरीन, मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश की हैं शायद। इनकी एक बुक है वो बार बार एग्जाम में पूछता है, और उस बुक का नाम है डियर स्टूडेंट लज्जा। क्या नाम है बुक का? लज्जा। तो लज्जा किसने लिखा हुआ है? तो वो तस्लीमा नसरीन, और मिडनाइट सलमान रुश्दी, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस और इतनी बातें आपके लिए, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे एक सॉरी टेलीग्राम पर मैंने एक क्विज डाला था कि नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज आपको किस चीज़ पर चाहिए, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 48% बच्चों ने कहा कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू कीजिए वोकैबलरी में। तो अब कल से मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कंटिन्यू दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी राय है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।